मतलब सरफेस एरिया ते वॉल्यूम, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, इन्ना दे जेड़े आपा कहने है कि सरफेस एरिया या वॉल्यूम। जे मैं पंजाबी च गल करा आयत, वर्ग, घन, घनाव, शंकु, सिलेंडर, इन्ना दे रिलेटेड खेत्रफल बारे आपा गलबात करनी। ठीक है जी, क्वेश्चंस करांगे, समझांगे, उस दे बारे आपां नूं जानकारी मिलेगी। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, गैर सिफर अचल बहुपद की घात कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलीनोमियल? हां जी, अचल बहुपद किनू कहने हैं? अचल मतलब ना चलन वाला, मतलब जिनू आपा मूव हला नहीं सकते। तब मैथ विच अचल दा मतलब जेड़ा कोई नंबर होवे तीन, हुन तीन दा मतलब तीन ही है, तीन दा मतलब पांच दा नहीं, तब तीन नू आपा बदल नहीं ना सकते, इनू अचल बहुपद कहंदे है। मतलब जदों रकम विच कल्ला एक मैथ दा कोई भी नंबर लिखा हो, जी आप इतने गला मैथ की रकम गला इंग्लिश वेरिएबल एक्स लिख देंगे, फिर एक्स का मूल तो आप तीन भी पा सकते, पांच भी पा सकते, सात भी पा सकते, नौ भी पा सकते, लाख भी पा सकते, पा सकते हैं ना, तो फिर ये तो बार बार बदल रहे हैं ना, तो इनू चल कहने हैं पंजाबी, समझ लग गई? इन की कहने चल इंग्लिश च वेरिएबल, इनू नहीं बदल सकते एक नंबर, इस करके इनू अचल इंग्लिश कॉन्स्टेंट, समझ लग गई? तो इन रकम की डिग्री कितनी होगी? जब आप घात कहने हैं तो आप किंदी घात देखते हैं? जे घात मतलब जेड़ी सिर ते लिखी होंदी है, किंदी सिर ते लिखी होंदी है घात जब आप बहुवचन देखते हैं? रकम दे और बेटा घात जो आप कहने ना किसी भी बहुपद की घात का मतलब उस बहुपद विच जेड़े वेरिएबल्स लिखे होंगे है उन्हां दी घात। हुण अचल बहुपद का मतलब तो कला तीन पांच कला रकम है, तो इन्हें च किसी की घात नहीं देखी जाती, समझ लग गई? तो इसका मतलब अचल बहुपद की घात हमेशा की होगी जीरो। समझ लग गई? जे एक्स हुंदा ए अचल बहुपद ए कांस्टेंट है के नहीं? नहीं जी नहीं, नहीं होने दा पता कीता है, और चल है के चल है जी, चल है, इंदा मूल बदला जाऊगा। ता जब आपा इन्दी का हाथ देखने होवे हुन एक्स दे सिर ते किन्नी पावर है? कोई नहीं होवे किन्ना? एक। ता इन्दी पावर देखने होवे ता किन्नी आ गई? एक। पर जब आप और चाल की देखनी है तो घात कितनी देखनी है? जीरो। समझ लग गई? दूसरा क्वेश्चन, क्यू जेड बराबर पी जेड प्लस आर का हल की होगा? ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। पी जेड प्लस आर का आप हल करना है, किवें कढ़ी दा? इत्थे केड़ा वे आपां नूं आदत है एक्स नाल लिखण दी, पर इथे उन्होंने एक्स वेरिएबल की जगह केड़ा फंक्शन लिता है, किवें वैल्यू कढ़ी दी है? जेड़ा फंक्शन हुंदा उहनूं किंदे बराबर रख लईदा? जीरो। हुण इथे आपां एक्स की वैल्यू कढ़नी है, एक्स की वैल्यू लई पहला मैं आर नूं दूजे पासे लैके जाऊंगी तां की बदलूंगी? निशान माइनस आर हो गया। हुण आपां एक्स की वैल्यू कढ़नी है तां पी कित्थे जाऊगा? थल्ले, माइनस आर बटे पी। ता केड़ी ऑप्शन आ गई? दूसरी। जिवें अवतार आपां तीन एक्स माइनस चार कहने आपां इहदे चों एक्स दी वैल्यू कढ़नी है, ता आपां इह सवाल किन्नी वार कीते आ? पहलां आपां चार नूं दूजे पासे लैके जांदे आ, फिर तीन नूं कित्थे लैके जांदे आ? थल्ले। हुण इत्थे चार दी जगह आर है, तीन दी जगह बस हो गई, इत्थे नंबर नहीं मैथ दे, तीन चार दी बजाय इंग्लिश दे वेरिएबल्स।
लंबाई ज्यादा चौड़ाई छोटी है आयत है आयत रेक्टेंगल का एरिया खेत्र फॉर्मूला लंबाई कितनी दी चौड़ाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आठ गुना छे किन्ना हो गया जी जान बूझ के कंफ्यूज करने चीजा दे दी बच्चे कंफ्यूज हो गए एवं गलत करी कर जबकि उन्होंने फर्श का खेत्र कढ़ने को फर्श तो आयत है टू डी चीज है फर्श तो टू डी है ना हाँ जी तो इस करके उन्होंने कहीं लंबाई चौड़ाई की जरूरत सी बस समझ लगी पंजवां क्वेश्चन एक आयत का टायर की लंबाई ते चौड़ाई मान लो आ एक टाइल है खाने भी आप कहते उनकी लंबाई ते चौड़ाई 45-30 सेंटीमीटर इसनू 13 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर नाल पानी करन दा खर्चा किन्ना होगा मान लो आ पूरा काम इतने टाइलां लगियां चिट्टियां कहंदा एक टाइल की लंबाई चौड़ाई दे कहंदा हुण आपां पालिश करवानी है बाहरले बंदियां नू ला के टाइल कहंदा ओ टाइल एक टाइल दा 13 रुपए लैंदे आ पालिश करन कहंदा 100 एक टाइल लानी उन्होंने किया उन्होंने क्या 100 वर्ग सेंटीमीटर जे मान लो दो टाइलां मिला के 100 वर्ग सेंटीमीटर मानता होवे तो उनका खर्चा उन्हें कितना लेना है 13 ते कहंदा फिर पूरे एरिया का खर्चा करने का कितना देखो ऑप्शन ही तरीका पहला एक टाइल का आपां खेत्रफल कढ़ीए जे आपा पूरे कमरे नू तुसी रंग करवाना तुसी कंधा दा देखोगे कि ये कंधा किन्ने बाय किन्ने दी है इनका खेत्रफल कढ़ोगे उन्निया ही चार कंधा नाल गुणा कर लोगे तो जवाब आ जूगा जे एक तो बाद चीज का मुल कटा ले की कीता जे एक कंध दा पेंट करवाना आपा खर्चा कर ले कि इनदे ते कंध ते किन्ना खर्चा लगूगा एक कंध दा ते फिर बाकीयां कंधा नाल गुणा करके हो जूगा ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਗੁਣਾ 35 45 ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ 30 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45 ਗੁਣਾ 30 ਹੁਣ ਇਹ 45 ਗੁਣਾ 30 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਾ ਦਿੱਤੀ 45 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜ ਤੀ ਏ 17 ਚਾਰ ਤੀ ਏ 12 ਤੇ 1350 ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿਖਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਾਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਘੇਰਾ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਵਰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਟਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ 13 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 1350 ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 13 ਆ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਰਕਮ ਕੀ ਹੋਗੀ ਗੁਣਾ ਆ 0 ਤੇ 0 ਕੱਟੇਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 13 ਨੂੰ 135 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 1755 त्रिभुज का खेत्रफल किसे नु याद है किसी 1/2 गुना आधार गुना लंब वेरी गुड टैपिंग करो 1/2 गुना आधार गुना लंब
ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉੱਥੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਲੰਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾਈ ਲੰਬ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਲੰਬ ਮਤਲਬ ਆਹ 90 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟੀਏ ਹੁਣ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 12 ਇੱਕ ਆਇਤਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਆ ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਸਮਝੋ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਆ ਹੋਗੀ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ 20 ਮੀਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ P ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 20 ਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ P ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਵੀ P ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਦੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਹੁਣ ਆ ਪੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਪੀ ਤੇ ਕਿਉ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਪੀ ਦੋ ਕਿਉ ਹੁਣ ਆ ਦੋਆਂ ਚ ਦੋ ਦੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋ ਗੁਣਾ ਦੋ ਪੀ ਪਲੱਸ ਦੋ ਦੋ ਗੁਣਾ ਦੋ ਚਾਰ